बेटा बेटी होने के लिए या बच्चा होने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। बेटा बेटी होने के लिए, बच्चा होना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि आपके वीर्य में शुक्राणु का होना, और शुक्राणु सिर्फ हो के नहीं, कम से कम 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ 1 ml में। वैसे तो सेफर साइट 2 करोड़ के ऊपर रहा तो बहुत अच्छा है, और 6 करोड़ के ऊपर रहा तो बहुत ही अच्छा है। मगर मिनिमम ऐसा एक स्टैंडर्ड बोला जाता है कि भाई 1.5 करोड़ पर ml, 1 ml में 1.5 करोड़, इतना उसकी मात्रा होनी चाहिए 1 ml में, तो बच्चा होने के चांसेस हैं। उससे यदि कम है तो उसको बोलते हैं ऑलिगोस्पर्मिया, और ऑलिगोस्पर्मिया मतलब स्पर्म का कम होना। तो फिर उसके लिए आपको इलाज करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, और दवाई लेके वो काउंट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। या फिर वो कम काउंट में यदि बच्चा होता नहीं है तो फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाके कम मात्रा में भी स्पर्म्स है तो उसको इंजेक्ट करके, जितना भी उसको इंजेक्ट करके यूटेरस में इंजेक्ट करना, और उसका इलाज कैसे करना, क्योंकि जितना भी है कम मात्रा में भी तो प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा हो सकता है, तो वो आप कर सकते हो। मगर यदि अजुस्पर्मिया है, मतलब स्पर्म है नहीं, जीरो है, जीरो काउंट, तो हो सकता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, बीच में रास्ते में कोई रिकॉर्ड है इसलिए नहीं आ रहा है कुछ, वीर्य में कोई स्पर्म्स नहीं आ रहे, शुक्राणु नहीं आ रहे, तो वो देखने पड़ेंगे, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस करो। या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, मतलब सब ठीक है और तभी भी प्रोडक्शन ही नहीं है टेस्टिकल में स्पर्म्स का, तो फिर आपको इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाके वहाँ देखना पड़ेगा कि भाई करना क्या है। स्पर्म बैंक से स्पर्म लाना है, वीर्य जो बैंक रहती है वहाँ से स्पर्म लाना है, या बच्चा गोद में लेना है, करना क्या है, आपको सही सलाह लेनी पड़ेगी। मगर इसमें ऐसा है कि लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, भावनाएं रहती कि नहीं 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 ऐसा नहीं, अभी तो ये होना ही है, बच्चा तो होना ही है, तो इसमें फिर डिप्रेस होते हैं, काफ़ी सारी मानसिक बीमारियां हो जाती है। जो है उसका स्वीकार करो, और आगे क्या कर सकते हैं उसके लिए एक्शन लो, कृति करो, तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।